Welcome to Maths Matter classes. Friends, आइए इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का. और क्वेश्चन कह रहा है कि x by 9 minus 4x square का इंटीग्रेशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में. और पीछे के हम आशा करते हैं कि आप पीछे के क्वेश्चंस को बना रहे होंगे और आसानी से समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि हमने हर एक स्टेप को लिखा है. कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं है मैं जहाँ पे हम छोड़ रहे हैं. तो आप वीडियो को दोबारा देखिए अगर कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, और हमें बताइए भी कमेंट के जरिए. तो इसको इसमें भी आपको ढूंढना है कि कौन से फंक्शन को टी पुट किया जाए. तो आप देख पा रहे होंगे इस बार डिनोमिनेटर हर को आप टी पुट करते हैं तो हो क्या जाएगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ये तो जस का तस, और x स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा. तो x जैसा तो आ रहा है ना, और फिर जो भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा उसको आप मैनेज कर सकते हैं. तो पुट कीजिए 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या टी, और इसमें फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो 9 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4 कॉन्स्टेंट साथ में x के तो बाहर, अगर अकेले रहता तो 0 हो जाता, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है. और यहां पे dx RHS में dt, ये पूरा क्या हो गया माइनस 8x dx बराबर dt. लेकिन आप देख क्या रहे हैं कि यहां पे x dx है, तो x dx का मान निकाल लीजिए. तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटा में ये 8 नीचे, और माइनस आप नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/8 इंटू में dt, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. अब हम पुट करते हैं, और पुट करने से पहले इसको मान लेते हैं कि ये इंटीग्रल a है. a में जब आप पुट करेंगे तो हो क्या जाएगा x गुना dx के जगह क्या लिखना है -1/8 इंटू dt, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो आप पहले ही बाहर कर लीजिए, तो 1/8 इंटू में dt, और नीचे में क्या है 9 माइनस 4x स्क्वायर को आपने क्या लिखा है t लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया t हो गया. अब आपको इंटीग्रेशन चाहिए 1/t का t के रेस्पेक्ट में, तो 1/x का x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन क्या जानते हैं log mod x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log mod t हो जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/8 तो बाहर है ही, इसका हो जाएगा log mod t प्लस में c. अब t को चेंज कर देंगे किसमें x के रूप में, तो t के जगह क्या लिखना है 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा log mod 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में c, और यही क्या हो जाएगा फ्रेंड आंसर हो जाएगा. आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 16 कह रहा है कि e का पावर 2x प्लस 3 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो हमने आपको बताया था कि पावर वाला चीज को भी आप चेक कर सकते हैं कि वो t पुट करने से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं. तो यहां पे अगर आप पावर वाले को t पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 को, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा ना, तो 2 आ रहा है और कॉन्स्टेंट को आप मैनेज कर सकते हैं पुटिंग में. तो हम आप इसमें पुट कर देंगे 2x प्लस 3 को t. इसका आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं. जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि डिफरेंशिएशन में यदि आपको साइन 2x का निकालना है या e का पावर 2x का ले लेते हैं, e के पावर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में यदि आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करते हैं कि इसको कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, और x मानेंगे तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है e का पावर x ही होता है. लेकिन लिखना क्या है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में. लेकिन इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, इसका आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि e के पावर x का इंटीग्रेशन भी तो e का पावर x ही होता है ना, तो e का पावर x ही लिख देंगे. लेकिन x के जगह क्या है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 है, और x के कोफिशिएंट से आप इंटीग्रेशन में क्या करते हैं भाग देते हैं, इंटीग्रेशन में भाग देते हैं, और प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c जोड़ देंगे. तो अगर ये क्वेश्चन का यूज किसी इंटीग्रेशन को हल करने में हो रहा होगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से बनाना है. तो हम यहां पे पुटिंग करके बनाएंगे, और तो पुट कर देते हैं हम इसमें 2x प्लस 3 को क्या कर देते हैं t पुट कर देते हैं, और डिफरेंशिएट करते दोनों तरफ. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस ये 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 होता है, और ये प्लस में 3 है तो 3 का 0 होता है, क्यों लिखें नहीं लिखेंगे. और यहाँ dt अपॉन dx, तो यहाँ पे dx और RHS में dt, तो क्या क्या 2 into 1 2 dx बराबर dt. लेकिन आपको सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ dx है, इसके साथ 2 वगैरह है नहीं, तो आप बना तो सकते हैं लेकिन यहीं से हम मैनेज कर लेते हैं. तो dx के जगह क्या लिख सकते हैं dt और बटा में क्या 2. अब पुट कर देते हैं इसको, सबसे पहले मान लेते हैं a, तो
a में यदि आप पुट करेंगे तो हो क्या जाएगा, e का पावर 2x plus 3 है, तो e का पावर 2x plus 3 में के जगह क्या लिखना है, t लिखना है, और dx के जगह क्या लिखना है, यहां dx है, dt upon 2, तो यहां dt लिख देते हैं, और 1 by 2 गुना में था, तो वो कांस्टेंट है, तो बाहर में हो जाएगा, तो 1 by 2 हो जाएगा, और e के पावर t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर t ही होता है, तो यहां पे बनाते हैं 1 by 2 और e का पावर t प्लस में c, और t के जगह क्या लिख देना है, जो x के रूप होगा, तो 2x plus 3, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2x plus में 3 और plus में indefinite constant c, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार के डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए भी हमने एक डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 11 12th वाले में, और जिससे कि आप डिफरेंशिएशन को आसानी से लिख सकते हैं एक लाइन में। और यहां पे e के पावर, इसको हमने इंटीग्रेट करके डायरेक्ट ऐसे इसलिए सिर्फ लिखा है क्योंकि पावर में लीनियर फंक्शन है, मतलब x का पावर में 1 है, अगर कुछ और रहता तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते, वहां पे कुछ और मेथड अप्लाई करना होता। तो इस तरीके से आप वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि x by e का पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो हमने आपको बताया कि पावर वाले चीज को टेस्ट कीजिए कि उसको हम t पुट कर सकते नहीं कि नहीं, तो जब x स्क्वायर को आप t पुट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2x है, तो यहां पे आप 2x बना भी सकते हैं एक तरीके से, यहां पे 2 लिख दीजिए और 1/2 यहां लिख दीजिए, लेकिन हम यहां जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे हम मैनेज कर ले, वो ज्यादा आसान है, यहां पे थोड़ा सोचना पड़ता है। तो पुट कीजिए x स्क्वायर को t, x स्क्वायर को क्या कर देते हैं t पुट कर, वही आपको ढूंढना ही है कि किसको t पुट करें जिससे कि आपको फायदा हो, और इसी में दिमाग लगेगा, बाकी तो नॉर्मल x के पावर n वाला इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो x स्क्वायर को यदि आप t कहते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और dx बराबर में dt, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt upon 2, और x dx इसलिए क्योंकि यहां x dx है, और इसको हम a मान लेंगे और a में क्या पुट करेंगे, यही सब चीज पुट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा x dx के जगह क्या लिखना है dt by 2, और देखिए 1 by 2 यहां गुना में है, तो यहां 1 by 2 लिख लेते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और बटा में इसका काम हो गया, और बटा में क्या था e का पावर x स्क्वायर, तो e का पावर x स्क्वायर है, और x स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, तो ये हो गया। फिलहाल अभी हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई नियम नहीं है, लेकिन यहां भी आप देखिए कि e के पावर t को आप पावर में तो ले ही जा सकते हैं ना, तो पावर ऊपर में न्यूमरेटर अंश में ले जा सकते हैं, तो 1/2, और इसको लिख सकते हैं e का पावर माइनस t और इनटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमको चाहिए, तो आप इसके इंटीग्रेशन के लिए यहां से भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब हमने एक बार सब्स्टिट्यूशन कर ही लिया तो दोबारा हम डायरेक्ट कर देते हैं, और हो क्या जाएगा, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले यहां पे आपको बताया था कि कैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन को लिखते हैं, तो यहां भी पावर में लीनियर ही फंक्शन है, तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे है, 1/2 और e का पावर कुछ का e का पावर कुछ ही होता है, तो e का पावर माइनस है t, और t के कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 है, तो माइनस 1 से क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं गुणा करते हैं, और प्लस में c, तो ये देखिए माइनस यहां रखिए या फिर यहां रखिए कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों गुना होगा तो 2 ही रह जाएगा, तो -1/2 और e का पावर -t प्लस में c, लेकिन t की जगह क्या लिखना है आपको x स्क्वायर लिखना है, तो यहां पे क्या लिख दीजिए x स्क्वायर लिख दीजिए, लिखने से पहले आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि इसको हम नीचे लेके चल जाते हैं ताकि पावर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, तो 1/2 1/e का पावर t प्लस में c, और अब t के जगह लिख दीजिए क्या x स्क्वायर, तो 1/2 1/e का पावर x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा c, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में कह रहा है कि e के पावर tan इनवर्स x / 1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए आपको x के रिस्पेक्ट में। तो फिलहाल आपको आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि किसको हम पुट कर रहे हैं, और तो हम देखते हैं कि इसका एक अलग रूप आपको हम लिख के दिखाते हैं, और वहां से आप देख पा रहे होंगे कि आप किसको पुट करना चाहिए। तो देखिए इट कैन बी रिटन एज देखिए क्या लिखा जा सकता है,
e के पावर tan इनवर्स x को आप अलग लिख लीजिए और इनटू में देखिए तो ये क्या 1 by 1 plus x square गुना में है, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं 1 by 1 plus x square और यहां पे क्या है dx है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम tan इनवर्स x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 plus x square dx के साथ गुना में है, तो अब हम क्या पुट कर देते हैं tan इनवर्स x को t पुट कर देते हैं, तो अब पुट कर दीजिए tan इनवर्स पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t और डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x तो करेंगे तो tan inverse x का differentiation क्या होता है 1 by 1 plus x square और dx साथ में रहेगा और RHS में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसको भी हम मान लेते हैं क्या integral a मान लेते हैं और integration a में ये putting वाला सब कुछ put करेंगे तो क्या हो जाएगा e का पावर tan इनवर्स x था तो tan इनवर्स x को आप क्या पुट कर रहे हैं t, तो यहां पे क्या हो जाएगा t और 1 बटा x 1 plus x स्क्वायर गुना dx को क्या लिखना है dt लिखना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा और e का पावर कुछ का कुछ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है e का पावर कुछ सेम रह जाता ना, तो यहां पे e का पावर t plus में c और t को हम क्या लिख देंगे tan इनवर्स x, तो आसानी से क्वेश्चन हल हो गया, तो e का पावर हो गया क्या tan इनवर्स x plus में c, तो यही फ्रेंड क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि e का पावर 2x minus 1 बटा e का पावर 2x plus 1 का इंटीग्रेशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्वेश्चन में आप नहीं ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली कि किसका डिफरेंशिएशन कहां है, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तो देखिए हम वो चेंज क्या करना चाहते हैं, करना चाहते हैं क्या कि एक तो कि आप ऊपर से भी e का पावर x को कॉमन कीजिए और नीचे से भी कॉमन कीजिए और कॉमन करके काट दीजिए, तब आपको वो फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन भी दिखने लगेगा, या आप ऊपर में भी e का पावर x से भाग दे दीजिए और नीचे में भी e का पावर x से भाग दे दीजिए, तो भाग देना थोड़ा ज्यादा आसान है तो हम उसी को करते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है it can be written as या आप लिख सकते हैं कि dividing numerator and denominator by e का पावर x, ये भी आप लिख सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा e का पावर 2x minus 1 और बटा में क्या e का पावर x और फिर ये पूरा वाला ये वाला बटा यहां पे नीचे में क्या है e का पावर 2x plus में 1 और बटा में क्या है e का पावर x, और चूंकि हम इसमें भी भागा दे रहे हैं इसमें भी भागा दे रहे हैं तो अल्टीमेटली ये दोनों कट जा रहा होगा और फंक्शन चेंज नहीं कर रहा होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं और यहां पे x के रिस्पेक्ट में। अब इसको अलग-अलग करते हैं e बटा e minus e बटा e और यहां पे e बटा e plus e बटा e, तो होगा क्या देखिए जरा कि इंटीग्रेशन e का पावर 2x बटा में e का पावर x माइनस है तो माइनस 1 बटा e का पावर x तो 1 बटा e का पावर x और नीचे यहां भी वही काम करना है तो e का पावर 2x / e का पावर x तो e का पावर 2x बटा e का पावर x बीच में यहां प्लस तो यहां प्लस 1 बटा e का पावर x तो 1 बटा e का पावर x और इनटू में यहां dx। अब देखिए कि e का पावर 2x है यहां i का पावर x यहां पे, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर में से इसका पावर घट जाएगा तो 2x में से x घटा देंगे तो हो जाएगा क्या e का पावर 2x minus x और बीच में क्या था माइनस था, अच्छा ये 1 यहां पे e का पावर x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो e का पावर minus x हो जाएगा ना, तो ये लिख देते हैं और 1 के साथ गुना होगा तो कोई असर नहीं होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा e का पावर minus x हो जाएगा, हर में भी सेम केस e का पावर 2x इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो e का पावर 2x में से x क्या हो जाएगा घट जाएगा और प्लस में यहां पे e का पावर x ऊपर जाएगा तो e का पावर क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। देखिए और आगे इसको एक्सटेंड करते हैं तो हो जाएगा क्या e का पावर 2x में से x गया कितना x 2 को x में से 1 को x जाएगा तो क्या बचेगा 1x बचेगा 1x को x लिखते हैं सिर्फ माइनस e का पावर माइनस x बटा में सेम केस e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। अब जरा देखिए कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या यही नहीं होता है, होता है ना e का पावर x का e का पावर x e का पावर माइनस x का e का पावर माइनस x और x का कोफिशिएंट माइनस 1 गुना तो होता है ना, तो यहां वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है ये वाला है, तो हमने आपको एक शॉर्टकट भी बताया कि यदि आप नीचे कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में हो तो ये पूरा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि log mod और नीचे वाला का मतलब कहने का मतलब क्या है e हर
डिनोमिनेटर e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है, तो हम पुट करेंगे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो पुट e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा क्या, e का पावर x का e का पावर x प्लस, तो प्लस e के पावर माइनस x का e का पावर माइनस x, और माइनस वन से यहां गुना होगा, तो यहां जब माइनस वन से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पे dx और यहां पे dt, और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन a। तो इक्वेशन a में जब हम पुट करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, इसके जगह आपको t लिखना है, क्योंकि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को क्या लिखना है, t लिखना है, और इतना गुना इतना, देखिए जरा इतना गुना इतना आपको क्या लिखना है, dt लिखना है, तो ये dt हो गया। अब 1 by t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस में c, और चूंकि t के रेस्पेक्ट t में तो आंसर नहीं हो सकता है, तो हमारा x में होना चाहिए, और t किसको माने हैं, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, तो यहां पे रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या, log mod e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस में c, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसका एक अलग सा रूप भी लिख सकते हैं, और वो रूप क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस x को आप लिख सकते हैं 1 बटा e का पावर x, तो देखिए जरा हम चेंज करके दिखाते हैं आपको, तो लिख सकते हैं log mod e का पावर x प्लस 1 बटा e का पावर x और प्लस में c, e का पावर x यहां हो जाएगा ना, तो e का पावर x का होल स्क्वायर, तो 2x हो जाएगा पावर में, तो इसको और लिखा जा सकता है log mod e का पावर, अच्छा मॉड भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि e का पावर x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहां पे मॉड भी आप हटा सकते हैं, तो e का पावर x यहां 2x हो गया, अब प्लस में 1 और बटा में क्या, e का पावर x प्लस में c, तो ये भी एक आंसर का फॉर्म हो गया, या आप दूसरा भी आंसर का फॉर्म लिख सकते हैं, देखिए log m बटा log log m बटा n, तो log m by n का फॉर्मूला क्या होता है लॉगरिथम में, m माइनस n होता है, log m माइनस log n, और अगर आपको लॉगरिथम में किसी प्रकार का दिक्कत है तो लॉगरिथम का भी हमने वीडियो बना के डाला हुआ है इस चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं आसान और सीख सकते हैं लॉगरिथम आसान भाषा में, तो इसको लिख सकते हैं log this माइनस log this, तो आप इसका आंसर का एक और रूप लिख सकते हैं e का पावर 2x प्लस 1 माइनस log e का पावर x प्लस में c, तो अब आप आंसर इसको लिखिए या फिर ये लिखिए या फिर ये लिखिए या फिर ये लिखिए, कोई एक आंसर लिखिए सही ही होगा, और ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया, यहां से लेके यहां तक आने का शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट तब इस्तेमाल होगा जब ई क्वेश्चन का इस्तेमाल किसी और दूसरे क्वेश्चन या इससे भारी के क्वेश्चन में को बनाने में हो रहा हो तो, लेकिन यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, तो आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए, फेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन के साथ, तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना प्रिपरेशन जारी रखें इस लॉकडाउन में।